फेसबुक पर समुदाय विशेष के खिलाफ लगातार पोस्ट करने के कारण चांचौड़ा बीनागंज अध्यक्ष भोला सोनी को गुना पुलिस ने बीनागंज निवास से किया गिरफ्तार। मुंगावली निवासी अशोक रजक के दिल्ली के रेलवे स्टेशन से लापता होने की सूचना लगते ही क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव दिल्ली पुलिस अधिकारियों से हुए रूबरू। पुलिस से उच्च स्तरीय टीम गठित कर कार्रवाई करने को कहा गया। अशोक कुमार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले। नानाखेड़ी निवासी 30 वर्षीय युवक हरिओम अहिरवार हुआ लापता। घर से बाजार सब्जी लेने निकला था, परिजनों ने कैंट थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराई रिपोर्ट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। एमपी के कई जिलों में है भारी बारिश होने की आशंका। पुलिस ने लगभग 3 से 4 महीने में खोए हुए 20 मोबाइल किए बरामद करने में सफलता हासिल। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा गया। देखा गया पुलिस का काम यहाँ पर, लोगों को यहाँ उनके मोबाइल लौटाए गए। आज काफी खुशी भी है लोगों के चेहरों पर। बेसिकली हम लोगों के पास में लगातार इस तरीके के बीच बीच में आवेदन आते रहते हैं कि मेरा मोबाइल खो गया या रास्ते में गिर गया, जिसमें कोई ऐसा विधिक प्रावधान नहीं है कि उसमें एक शिकायती आवेदन पत्र वो दे देते हैं। कभी कभी उसमें मुकदमा कायम नहीं होता क्योंकि उसमें कोई भी क्राइम एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी हम लोगों ने एक्चुअली इसके ऊपर एक नया सिस्टम स्टार्ट करवाया है कि हमारे एक साइबर सेल में एक खोया पाया केंद्र टाइप का हम लोग स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर किसी का भी मोबाइल कहीं पर गिर जाता है, कभी कहीं खो जाता है, गलतीवश भूलवश कहीं पर रह जाता है और वो उसको नहीं मिलता है, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो अपने नज़दीकी थाने में कर दे या इवन वो एसपी ऑफिस में, यहाँ पे एसपी ऑफिस में आके साइबर सेल के लिए भी आवेदन दे सकता है। वो सारे आवेदन जो है वो हम लोग अपने एक प्रॉपर कॉग्निजेंस में ले लेंगे और वो मोबाइल भी हम लोग उनको ट्रेस करके देंगे। जैसे उनका अगर मोबाइल चालू होता है तो वो हम लोग ट्रेस करके और वो मोबाइल उनको अवेलेबल करवा के देंगे। आज हम लोगों ने इसमें ये किया था कि पिछले 3-4 महीने का हम लोगों ने डेटा निकाला था, उसमें जहाँ जहाँ पे जो जो मोबाइल चल रहे थे उनको हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन में ट्रेस करवाए। कुल मिला के 20 मोबाइल जो है वो हमारे ट्रेस हो गए हैं, जो हम लोगों ने अभी प्राप्त कर लिए हैं, और वो सभी मोबाइल जो है वो हम लोगों ने उनके फरियादियों को बुला के और उनको हैंडओवर भी करवा रहे हैं। विगत दिवस जामनेर गैलरी तोड़ते समय मलबा दुकान पर गिरा, 2 महिलाओं सहित 4 लोग हुए घायल। भाजपा सदस्यता के अंतर्गत आज विधायक गोपीलाल ने कैंट व बजरंगगढ़ क्षेत्र में मिस कॉल से दिलाई भाजपा की सदस्यता। जीआरपी थाना द्वारा आरोपी सेंकी पिता अंधेर सिंह कटारिया निवासी पिपरई अशोकनगर 15,200 रुपए के कीमती मोबाइल के साथ किया गया गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट परिसर में आए दिन भर जली रही स्ट्रीट लाइटें, प्रशासन है बेखबर। एनयूसीआई छात्र संगठन ने पीजी कॉलेज में हुई ईवीएम हटवाने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बताएं आज के संदर्भ में क्या बंधन है आज? जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हम सभी लोग एनएससीआई से हैं, छात्र संगठन है, और आज हमारे कॉलेज पीजी कॉलेज में ईवीएम रखे होने के कारण छात्रों को बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। एक ईवीएम के कारण एक पूरा पोर्शन कॉलेज का ब्लॉक हो रखा है, ना तो वहाँ पर छात्र जा सकते हैं, और जगह की कमी के कारण एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वो भी छोटी सी जगह पर है, जिसके कारण अप्रूव होने में भी, लोगों को जाने में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि उन ईवीएम को ऊपरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करवाएं ताकि वह जगह खाली हो सके और छात्रों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्राइवेट स्कूलों पर प्राइवेट एजेंसियों द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाने का डाला जा रहा है दबाव। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि स्कूल की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी भी कंपनी के सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा सकते हैं। स्कूलों पर, संस्थाओं पर फोन के माध्यम से या किसी एजेंसियों के माध्यम से बात दबाव के रूप में आ रही है कि आप लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगवाओ, जबकि सीसीटीवी कैमरे लगभग सभी स्कूलों में पहले से लगे हुए और अच्छी खासी तादाद में लगे। इसके बाद भी जो बात आ रही है टीवी के, सीसीटीवी के कैमरों को लगाने के लिए, उसमें
बड़ी बात ये है कि साहब जो है यदि आपको दो कैमरे हम लगवाएंगे एजेंसी के माध्यम से लगेंगे तो आपको 50,000 रुपये देना होंगे, और तीन कैमरे यदि आपके लगते हैं जो बाहर लगेंगे आउटडोर के उसमें आपको 60,000 रुपये पे करना होगा, ऐसा एजेंसी हमारे को दबाना। विगत श्याम साईनाथ मंदिर के पास पेड़ और बिजली का खंभा रोड पर गिरा, यातायात हुआ बाधित। लायंस क्लब सेंट्रल द्वारा स्थानीय कस्तूरी गार्डन में किया गया फिटनेस एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी एवं विधायक शरद कोल का कांग्रेस में शामिल होने पर नगरीय आवास विभाग मंत्री जयवर्धन सिंह ने किया स्वागत। नवागत म्याना थाना प्रभारी ने संभाला अपना पदभार, डीएसपी सौरभ रत्नागर की हुई विदाई। गुरुजी के दर्शन कर ग्वालियर लौट रही हादसे में प्रशांत पत्नी रेणु गंगवाल की उपचार के दौरान हुई मौत। जैन समाज के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर के नाम पर रेलवे स्टेशन बर्धमान का नाम नहीं बदला जाएगा, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई है, जल्द ही जारी होने की प्रबल संभावना। चाचोड़ा में लोकायुक्त का पड़ा छापा, पटवारी से प्रताप उर्फ संजू बना को रंगे हाथ पकड़ा गया।